गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चैप्टर की स्टार्टिंग ही की थी बस, और हमने ये देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं और न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं डेली बेसिस में, उसमें से किसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये समझाया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब आज से हम ये देखना स्टार्ट करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनॉल और एक होता है उसके साथ में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनॉल जो है पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स को इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पहले कि एलिमेंट्री कैनॉल क्या होती है, वॉट इज एलिमेंट्री कैनॉल। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनॉल जो है इसका मतलब साफ है कि ये एक कैनॉल है। एक कैनॉल है मतलब आप एक उसको ट्यूब की तरह इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो एक ट्यूब है ये, वो ट्यूब स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे। उस पूरे ट्यूब की कंटिन्यूएशन में हम उसको एलिमेंट्री कैनॉल बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया दैट एलिमेंट्री कैनॉल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन टू एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनॉल जो है ये माउथ से लेके और एनस तक रन करने वाली एक ट्यूब है। ये ट्यूब कंटिन्यूअस तो है, पर इस ट्यूब में आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट और सिंपल डायमीटर, जो सिंपल डायमीटर का मतलब हो जाएगा कि आगे से लेके पीछे तक कंटिन्यूअस डायमीटर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ट्यूब जो है ये वेरिंग डायमीटर की हो सकती है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन में। जैसे कि माउथ जो है उसके बाद में फिर हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस आता है बक्कल कैविटी के पीछे। ईसोफेगस में ट्यूब नैरो रहेगी, लेकिन जैसे ही वो ईसोफेगस स्टमक के अंदर टर्न होने वाला है तब वो सैक लाइक स्ट्रक्चर इलैबोरेटिव हो जाएगी। स्टमक जो है फिर जाके आके ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो फिर से नैरो हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये वेरिंग डायमीटर की हो सकती है अलग अलग जगह पर, ये सैक या ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनॉल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट होते हैं कॉम्पोनेंट्स, तो हमने बोला माउथ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि माउथ जो है वो क्या होता है, वॉट इज माउथ। ठीक है, तो जो माउथ स्ट्रक्चर है किसको आप माउथ बोलते हो, जिससे हम बात करते हैं वो हम बोलते हैं हमारा माउथ है, जिससे हम खाना अंदर लेते हैं हम बोलते हैं उससे माउथ है। ठीक है, तो माउथ है क्या चीज़, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि माउथ के का जब डिस्क्रिप्शन देना हो तो क्या दें हम। माउथ एक अपर्चर है, अपर्चर बोलने की जगह हमें माउथ को स्लिट बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम अपर्चर बोलते हैं तो अपर्चर होता है गोल, और स्लिट बोलते हैं तब हम स्लिट का मतलब होता है थोड़ा सा इलोंगेटेड अपर्चर। ठीक है, तो माउथ जो है हमारा एक स्लिट लाइक अपर्चर है, और ये स्लिट लाइक अपर्चर जो है इसके अंदर की तरफ बक्कल कैविटी लाइक करती है। लेकिन माउथ वो स्ट्रक्चर है जो कि लिप्स से बाउंडेड है और एक्सटीरियर को भी फेस करता है। ठीक है, तो माउथ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज बाउंडेड बाय लिप्स। इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। माउथ जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट दोनों को फेस कर रहा है, दोनों के साथ में कनेक्शन ये रखता है। ठीक है, अब माउथ जो है वो किसके अंदर ओपन होता है, इसका ये मतलब हो गया कि एक्चुअल में माउथ किसकी ओपनिंग है, माउथ के इनर साइड में क्या आ जाएगा। तो माउथ के इनर साइड में जो स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास में बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के लिए आप लोग एक और टर्म यूज कर सकते हो, और वो टर्म है हमारी ओरल कैविटी। ठीक है, अब ये जो ओरल शब्द आया है इसका मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको। हमारे दो फेसेस हो सकते हैं किसी भी चीज, कॉइन के दो फेसेस हो सकते हैं, एक होता है उसका हेड, एक होता है टेल। सिमिलरली हम हमारे खुद के लिए बात करते हैं, जो एरिया या जो सरफेस माउथ के नज़दीक है उसको हम ओरल सरफेस या ओरल साइड बोलते हैं, और जो फेस माउथ के नज़दीक नहीं है पर माउथ के ऑपोजिट है उसको हम एबोरल बोलते हैं।
ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा आसान होगी समझने के लिए जब हम किसी प्लैटी हेलमिंथ जैसे स्ट्रक्चर को इमेजिन करें। वहाँ पर या तो इकाइनोडर्म को हम इमेजिन करें। इकाइनोडर्म को जब आप इमेजिन करते हो तो आप देखते हो उसका डॉर्सल सरफेस पे अबोरल साइड होता है, एक अपर्चर होता है, और नीचे वेंट्रल सरफेस पे एक अपर्चर होता है, वो ओरल साइड होता है। हमारी बॉडी में हम एबोरल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि माउथ के एकदम ऑपोजिट एनस प्लेस नहीं है, इसी कारण से हम माउथ और एनस टर्म डिस्टिंक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारा माउथ जो है वो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है और एनस जो है वो डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ है, माउथ आगे की तरफ है। ठीक है, अब ये जो बक्कल कैविटी की मैं बात कर रही हूँ या ओरल कैविटी की मैं बात कर रही हूँ, ये कैविटी है, ये एक टाइप का स्पेस है, और ये बक्कल कैविटी है जो स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उन सबको हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। पहले मैं सिर्फ ब्रीफ कर देती हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक बक्कल कैविटी के अंदर हम किस किस चीज़ों की डिटेल देखने वाले हैं। तो देखो, बक्कल कैविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारी टंग जो है वो क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे टीथ जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टीथ का कंपोनेंट क्या है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है, टीथ के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बक्कल कैविटी में पढ़ते हैं। और एक और टॉपिक हम बक्कल कैविटी में पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलेट। ये चारों चीज़ें जो हैं इनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि वेस्टिब्यूल क्या होता है, तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं, व्हाट इज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल जो है ये एक वापस से स्लिट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। वेस्टिब्यूल स्लिट लाइक मैंने माउथ को भी कहा था, वेस्टिब्यूल इज ऑल्सो अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर वेयर वेयर इट इज प्रेजेंट दैट वी नीड टू नो। तो वेस्टिब्यूल जो होता है, आप इमेजिन करिए अपना बक्कल कैविटी, जब भी आप माउथ ओपन करके देखते हैं कांच में तो आप लोगों को आपके टीथ दिख रहे होते हैं, टीथ का सेट जमा हुआ दिख रहा होता है। जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो हमें टंग दिख रही होती है, ऊपर रूफ दिख रही होती है, नीचे बेस दिख रहा होता है, ये सब हमें आसानी से दिख रहा होता है। और जब हम हमारे गाल को खींच के देखते हैं, लिप्स को बाहर की तरफ खींच के देखते हैं, तो हमें स्पेस भी दिख रही होती है जो कि टीथ और चीक के अंदर के एरिया के बीच में प्रेजेंट है। ये बहुत नैरो सी स्पेस है जो कि चीक और आपके टूथ के बीच में प्रेजेंट है। इस चीक और टूथ के बीच की प्रेजेंट स्पेस को ही हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल इज नथिंग बट इट इज अगेन अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर और अ नैरो एरिया और नैरो स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पर प्रेजेंट है ये, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टीथ एंड इनर वॉल ऑफ चीक। टीथ और चीक की इनर वॉल के बीच में ये स्पेस वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो हम देखेंगे टंग पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को पैलेट पढ़ा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब पैलेट हम पढ़ लेंगे तो हमें रूफ और बेस क्लियर हो जाएगा कि रूफ और बेस जो है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, दैट इज पैलेट। व्हाट इज पैलेट? ठीक है, अब बच्चों जब मैंने अभी बताया आपको कि आप लोग अपना फेस जब माउथ जब ओपन करके मिरर में देखते हैं अंदर की तरफ कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने बताया था आपको रूफ दिखती है एक टंग के ऊपर का एरिया और बेस दिखता है। टंग को जहाँ आप जब ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो जिस दीवार पे वो टंग टकराती है वो जो एरिया है वो आपका पैलेट कहलाता है। ठीक है, अब पैलेट जो है आप इमेजिन करो या आप फील करके देखोगे तो आप जब टंग को ऊपर की तरफ टच करवाते हो तब आपको थोड़ा सा हार्ड एरिया लगता है आगे आगे की तरफ टूथ के जस्ट पीछे, और थोड़ा पीछे की तरफ अगर टंग को आप टच करवाते हो रूफ पे तो वो एरिया आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। इसका यह मतलब हो गया कि जो हमारा पैलेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो पैलेट दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइडेड हो गया है। एक आगे वाला पोर्शन जो कि आपको हार्ड फील हो रहा है उसको हम बोल देते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला एरिया जो कि आपको सॉफ्ट फील हो रहा है उसको हम बोल देते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का जो डिफरेंस होता है अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ।
तो जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, ये हार्ड पैलेट ऐसा एरिया है जो कि आपको टंग से टच करने पे टाइट फील होगा, थोड़ा सा हार्ड फील होगा, इसी कारण से इसका हार्ड पैलेट नाम है। ऑन द अदर हैंड जो पीछे की तरफ लोकेटेड आपका सॉफ्ट पैलेट एरिया है, वो आपको थोड़ा सा टच करने में सॉफ्ट फील हो रहा है, इसलिए हम इसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। पैलेट जो होता है वो हार्ड पैलेट आपका एंटीरियरली लोकेटेड एरिया है, इसका मतलब कि ये आगे की तरफ सिचुएटेड है। जब हम अपने टंग को टच करके फील करके देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो हमें दीवार या रूफ़ दिखाई दे रही है, छत दिखाई दे रही है, वो जो छत है उसमें आगे का जो भाग है, वो आगे का पोर्शन आपको जो हार्ड फील हो रहा है उसी को हम हार्ड पैलेट बोल रखते हैं। इट इज़ एंटीरियरली सिचुएटेड। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट पैलेट इज़ पोस्टीरियरली सिचुएटेड, ये पीछे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है और सॉफ्ट भी फील हो रहा है, ठीक है। अब एंटीरियरली सिचुएटेड हार्ड पैलेट जो है ये थोड़ा कम है कंपैरिजन में जब हम इसको सॉफ्ट पैलेट से कंपेयर करते हैं। तो आपका एंटीरियरली सिचुएटेड जो एरिया है या हार्ड पैलेट जो है वो सिर्फ 1/3 पार्ट ही है पैलेट का। ऑन द अदर हैंड जो सॉफ्ट पैलेट है वो आपका 2/3 पार्ट है पैलेट का, ठीक है। और पैलेट जो है एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज पैलेट? तो पैलेट जो है हमारा, इट इज एक्चुअली अ बोनी स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन बोन्स। पैलेटाइन बोन्स हमारे स्कल के अंदर होती हैं बच्चों। स्कल जो है आपका वो ये स्कल है हमारा पूरा का पूरा। स्कल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। स्कल में बोन्स होती हैं क्रेनियल बोन्स, फिर आपकी होती हैं फेशियल बोन्स, ठीक है, फिर आपकी होती हैं कान के अंदर जो प्रेजेंट बोन्स हैं ईयर ऑसिकल्स, एक होती हैं आपकी हायोइड बोन जो कि गले में प्रेजेंट है नीचे की तरफ थ्रोट एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो चार बोन्स मैंने बोली है इसमें फेशियल बोन्स जो आती है उसके अंदर आपकी पैलेटाइन बोन शामिल होती है, ठीक है। अच्छा, पैलेट जो कि मैंने बोला हार्ड पैलेट है, वो वाला हार्ड पैलेट एरिया जो है उसके ऊपर कुछ रफ सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर, ऐसे धारियां जो हैं उस तरीके की रफ फीलिंग आएगी आपको जब आप टंग को टच करके देखेंगे ऊपर। तो ये हार्ड पैलेट जो हो जाएगा, दिस विल बी रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स रिजेस। इसके ऊपर स्किन जो है वो थोड़ी सी फोल्डेड रहती है और वो फोल्डिंग्स जो हैं उनको हम ट्रांसवर्स रिजेस बोलते हैं, और ये ट्रांसवर्स रिजेस के कारण आगे का पोर्शन हार्ड पैलेट का पोर्शन जो है हमें रफ फील होता है। वहीं हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है इसमें ट्रांसवर्स रिजेस प्रेजेंट नहीं होंगे जो हमारे हार्ड पैलेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का डिस्क्रिप्शन। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट की मैं बात कर रही हूँ ये कहाँ तक है, इसका टर्मिनल मोस्ट पोर्शन क्या है, ये कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी ने विक्स का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। जब हम विक्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर एक छोटी सी घंटी दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बैक्टीरिया चिपक के बैठा हुआ होता है और वो उसको मूव करा रहा होता है, ठीक है। तो वही जो है उसी हैंगिंग से लटकते हुए स्ट्रक्चर को हम टर्मिनल मोस्ट पोर्शन बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट का, और उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूला। ओव्यूला, UVULA। तो ये ओव्यूला जो होता है ये क्या चीज है, इट इज टर्मिनल मोस्ट पोर्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। और ये होता है थोड़ा सा हैंगिंग स्ट्रक्चर। तो ओव्यूला एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, ओव्यूला जो होता है इसका कुछ तो फंक्शन होगा तभी ये वहाँ पर प्रेजेंट है, अदरवाइज इसकी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बिना काम के प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है कि वो हमारे अंदर अभी काम की हो या हमारे एंसेस्टर्स में कभी काम की थी, मतलब कि बिना कारण कोई भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ओव्यूला का भी कुछ काम होगा कि वो प्रेजेंट है वहाँ पर। तो जब हम खाने को चबा लेते हैं प्रॉपरली, सलाइवा के साथ मिक्स कर लेते हैं, तब वो खाना जो है जैसे आपने जिस फॉर्म में खाया होगा वैसा नहीं होगा, इनफैक्ट वो एक सॉफ्ट सा बॉल जैसा बन गया होगा। और इस खाने को हम अब बोलना चालू कर देंगे बोलस, बोलस ऑफ फूड, ठीक है। तो जो हम खाना जिस फॉर्म में निगलने वाले होते हैं, अभी बस चबा चुके हैं, पूरा मिक्स कर चुके हैं, उसको हम बोलस बोलते हैं। तो बोलस जो स्ट्रक्चर है, जब वो अंदर की तरफ आप निगल रहे होते हो, निगलने का मतलब, निगलने का जो टर्म होता है वो होता है डीग्लूटेशन या स्वेलोइंग ऑफ फूड।
डीग्लूटेशन और स्वेलोइंग इज निगलना, ठीक है। तो जब हम खाने को निगल रहे होते हैं अंदर, तो हमारे पास में फेरिंग्स एरिया में वो होते हुए और ईसोफेगस तक जाएगा, ठीक है। अब फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है हमारी हवा के जाने के लिए भी और हमारे फूड के जाने के लिए भी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये ओव्यूला जो है ये हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका जो फूड का बोलस है वो नीचे जाने की जगह गलती से वो नेजल चेंबर में एंटर हो जाता, या थोड़ा बहुत खाना जो है आपका नेजल चेंबर में एंटर हो जाता, और वो जो चीज़ है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ब्रीदिंग में भी, और आपको ठसका भी आ सकता है एकदम से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है नहीं होनी चाहिए। इस कारण से ओव्यूला नाम का जो स्ट्रक्चर है वो उस फूड के बोलस की एंट्री को प्रिवेंट करता है नेजल एरिया में और अलाउ करता है उसको ईसोफेगस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ओव्यूला के लिए मैं एक और पोर्शन, एक और बात लिख देती हूँ यहाँ पर, कि जो हमारा ओव्यूला है ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड बोलस इन नेजल चेंबर। दिस इज द फंक्शन ऑफ ओव्यूला। ओके, तो ये तो हमने देखा अभी एलिमेंट्री केनाल के अंदर बक्कल कैविटी में दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, वेस्टिब्यूल हो गया हमारा, पैलेट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग के स्ट्रक्चर को हम अब डिटेल में देख लेते हैं। तो वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद दैट पोर्शन। हम ये भी देखेंगे कि टंग जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है, और टंग के अंदर ऐसा क्या है कि हम फूड को टेस्ट कर पा रहे होते हैं, और एक और चीज़ हम देखेंगे कि टंग ऐसा क्या है टंग के अंदर कि हम बोल पा रहे होते हैं टंग के हेल्प से। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं टंग की परफॉर्म जो हो रहे हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ हमारे टंग का, ह्यूमन टंग का, और आप तब तक मेरे साथ साथ में उसको ड्रॉ करके नोट कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टंग। तो थर्ड पोर्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज ह्यूमन टंग। इस टंग के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद में मैं इसका लेबलिंग पोर्शन कंप्लीट करूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने लेबल किया हुआ है वो सारे एरियाज़ क्या हैं, उनका क्या पर्टिकुलर पर्पज़ है कि वो यहाँ लोकेटेड है, और उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फूड को टेस्ट करने में, ठीक। तो देखो, टंग जो मैंने बनाई है ये पूरा स्ट्रक्चर ही टंग का है जो हमने अभी बनाया, ठीक है। इतना पूरा पोर्शन आपका टंग का होता है। अब टंग जो होता है उसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट में हम टंग को डिवाइड कर देते हैं। टंग का कुछ ऐसा एरिया जो कि हमारी बक्कल कैविटी में नज़र आ रहा है हमें, जो कि हमारी ओरल कैविटी में नज़र आ रहा है हमें और प्रेजेंट है वहाँ पर, उस पोर्शन को हम, क्योंकि वो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, हम उसको बोल देंगे ओरल पार्ट ऑफ टंग। और कुछ एरिया ऐसा भी है हमारे टंग का जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है, इनफैक्ट बक्कल कैविटी के भी पीछे है, और वो बक्कल कैविटी के पीछे वाला एरिया टंग का जो है हमारा, वो एक्चुअल में हमारे फेरिंग्स में लाई करता है, हमारे गले के पैसेज के अंदर लाई करता है, और उसको हम बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। क्या बोलते हैं उसे हम? फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। तो देर कैन बी टू एरियाज ऑफ टंग, टंग ओरल पार्ट ऑफ टंग एंड
ओरल पार्ट ऑफ टंग और फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग जो है, इसको हम समझ रहे हैं अभी कि ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट अगर मैंने बोला है दो पार्ट हो गए हमारे टंग के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है अगर पार्ट दो हो गए हैं मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो इनको डिवाइड कर रही है या इनको डिमार्केट कर रही है, अलग अलग बना रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेबलिंग कंप्लीट कर दी है इस डायग्राम की। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं अभी कि जो बीच में एक वी शेप जैसा, पर वी भी नहीं है एग्जैक्टली ये, तो ये इन्वर्टेड वी शेप का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस इन्वर्टेड वी शेप के स्ट्रक्चर ने टंग को ओरल और पीछे फेरेंजियल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये जो इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, तो सल्कस टर्मिनालिस इज द रीजन वेयर आवर टंग हैज टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज ओरल एंड फेरेंजियल। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारे लेबल किए हुए हैं स्ट्रक्चर्स जिनको हम पैपिलेज बोलते हैं। तो पैपिलेज में देखिए, सबसे पहले हमारे टंग के बीचों बीच में माइन्यूट बहुत सारे ऑरेंज कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप जब अपनी टंग को देखते हो ध्यान से, तो आपको थोड़ी सी सफ़ेद वाला पोर्शन टंग का दिख रहा होता है, पिंक या रेड कलर की टंग में सफ़ेदी वाला जो पोर्शन है, ये सफ़ेदी वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत सारे डॉट 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 दिख रहे होते हैं। ये जो डॉट डॉट्स हैं इनको आप बोलते हो फिलीफॉर्म पैपिले। क्या बोलते हो आप इन्हें? फिलीफॉर्म पैपिले। और ये बहुत सारे हैं, ये अनगिनत हैं, ये न्यूमरस हैं, और क्योंकि ये न्यूमरस हैं इसीलिए ये मोस्ट अबंडेंट पैपिले हो जाएंगे। तो फिलीफॉर्म पैपिले के ऊपर मैं स्टार बना देती हूँ एक, कि ये सबसे ज़्यादा नंबर में हैं, ये मोस्ट अबंडेंट पैपिले हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे एक पैपिला मैंने लिखा हुआ है, इस पैपिला को हम बोलते हैं फंगी फॉर्म पैपिला। टंग के बीच में ये प्रेजेंट नहीं है लेकिन टंग के साइड्स में, मार्जिन में ये प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको। ये पैपिलाज जो हैं इनका शेप अगर हम ध्यान से देखें तो इनका शेप होता है क्लब जैसा। क्लब मतलब कि आपका जो आप ताश खेलते हैं उसमें चिड़िया का जो पत्ता होता है उसको हम क्लब बोलते हैं। तो क्लब शेप के ये पैपिलेज हमारे होते हैं फंगी फॉर्म पैपिलेज, और इनका लोकेशन है एट द साइड्स ऑफ टंग्स, एट द टिप ऑफ टंग, बट नॉट इन द सेंटर। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं ये अगर हम कंपेयर करेंगे इसको इस फिलीफॉर्म पैपिले से। तो इनका साइज जो है वो मीडियम साइज है और फिलीफॉर्म पैपिले स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में। इसके अलावा तीसरा जो पैपिले है उसको मैंने नाम दिया है सरकम वेलेट पैपिले। सरकम वेलेट पैपिले जो है ये आपके इस इन्वर्टेड वी शेप के सल्कस टर्मिनालिस के एकदम पैरेलली लोकेटेड है। ये पैपिलेज जो हैं, ये बड़े बड़े जो गोले दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये वाले पैपिलेज आपके सरकम वैलेट पैपिलेज होते हैं। सरकम वैलेट पैपिलेज नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैं ये बताऊँगी फिलीफॉर्म बहुत सारे दिख रहे थे, फंगीफॉर्म थोड़े कम थे, पर सरकम वैलेट सबसे कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो सरकम वैलेट टोटल 8 से 12 ही होते हैं पैपिलेज। ओके, पर ये जो हैं ये लार्जेस्ट इन साइज हैं, तो फिर से मैंने इस पर स्टार बना दिया एक। ठीक है, तो हमारा जो दो चीज़ें ध्यान रखने की हैं, फिलीफॉर्म पैपिले सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे न्यूमरस होते हैं। सरकम वैलेट पैपिले सबसे लार्जेस्ट होते हैं, सबसे कम होते हैं नंबर में। ठीक है, और मीडियम साइज पैपिले हो जाएंगे आपके फंगीफॉर्म पैपिले। अब एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो कि हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग पे लेटरल वॉल पे प्रेजेंट कुछ लीफ शेप के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये पैपिले जो हैं इनको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिले। जो फोलिएट वर्ड है, इस फोलिएट वर्ड का मतलब होता है लीफ जैसा, लीफ लाइक। तो ये पैपिलेज हमारे लीफ लाइक पैपिलेज हैं। पर ये लीफ लाइक पैपिलेज जो हैं, अगर आप अपनी टंग कभी भी देखेंगे ध्यान से, तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे अपने टंग में। इसका क्या रीज़न है? फोलिएट पैपिलेज जो होते हैं ये अर्ली लाइफ में ही, अर्ली चाइल्डहुड में ही डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारे एंसेस्टर्स में इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोल हुआ करता होगा। तो फोलिएट पैपिले जो हैं ये आपके किसी भी काम के नहीं हैं, इस कारण से एडल्टहुड में किसी भी एडल्ट ह्यूमन के अंदर इनका एग्जिस्टेंस आपको टंग के ऊपर देखने के लिए कभी भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि ह्यूमन टंग में कितने टाइप के पैपिलेज हो सकते हैं, तो आपको इन चारों का नाम बताना है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा है कि अडल्ट ह्यूमन टंग में कौन कौन से पैपिले हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ 3 ही पैपिलेज का नाम बताना रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टंग। अब जब मैं पैपिले पैपिले बोल रही हूँ, तो ये पैपिलेज के अंदर ऐसा क्या लोकेटेड है, पैपिले का क्या खासियत है? ठीक है, तो पैपिलेज जो स्मॉल इरप्शंस हैं हमारे स्किन ऑफ टंग के ऊपर, देखिए टंग जो है आपकी मस्कुलर ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर। उस हाईली मस्कुलर ऑर्गन के ऊपर एक स्पेशल टाइप की एपिथीलियम प्रेजेंट होती है,
और वो स्पेशल टाइप की एपिथीलियम जो कि उस मसल को कवर कर रही होती है, इस एपिथीलियम को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरो एपिथीलियम। क्या बोलते हैं हम उसे? सेंसरी न्यूरो एपिथीलियम। न्यूरो बोल दिया है, इसका मतलब कि कुछ न्यूरॉन से रिलेटेड है। सेंसेशन, क्योंकि वो टच और टेस्ट को सेंस कर पा रही है, और एपिथीलियम वो है। ठीक है, तो अब जो मैंने तीन चार पैपिलेज बताए हैं, इन पैपिलेज में मैं आपको ये स्पेसिफाई कर देती हूँ कि आपके फिलीफॉर्म पैपिले जो होते हैं, इन फिलीफॉर्म पैपिले के अंदर कोई भी टाइप का टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब कि टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट इन फिलीफॉर्म पैपिले। तो ये सबसे ज्यादा है नंबर में, ये बीचों बीच में है टंग के, पर ये किसी भी टाइप का टेस्ट सेंस नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है हमें लगेगी और हमें समझ में भी आ सकती है बहुत आसानी से, कि जब हम कोई भी टैबलेट खा रहे होते हैं, कोई भी कड़वी टैबलेट जब आप खा रहे होते हो, तो आप उसको हमेशा ही टंग के बीचों बीच में रखते हो, ताकि उसका कड़वाहट जो है, उसका कड़वासपन जो है, आपको उस टेम्प्ररी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए फील नहीं हो और तुरंत ही आप उसको निगल जाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपने उस टैबलेट को थोड़े ज़्यादा सेकंड के लिए अपने टंग पे रख दिया, तो सलाइवा के साथ में वो मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होकर वो साइड तक पहुँच जाएगी या पीछे तक पहुँच जाएगी, तब उसका कड़वासपन आपको फील होगा। इसका ये मतलब है कि ये जो बीच वाले पैपिलेज हैं आपके, ये कोई भी टाइप का टेस्ट सेंस बिल्कुल नहीं करते हैं। तो क्या ये कुछ भी सेंस नहीं करते? तो आपको टंग के ऊपर जो टैबलेट है वो रखी हुई फील तो हो रही है ना, फील हो रही है, मतलब कि टच सेंस कर सकते हैं ये, पर ये टेस्ट सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिलीफॉर्म जो पैपिलेज हैं उसमें कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं है, टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट है, लेकिन दे हैव सेंसेशन ऑफ टच, एंड टच काइंड ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड एज टेक्टाइल रिसेप्टर्स। ठीक है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, पर टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं इसमें। ये हमारा फिलीफॉर्म पैपिले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा जो है हमारा, वो है हमारा फंगी फॉर्म पैपिले। तो फंगी फॉर्म पैपिले की जब मैं बात कर रही होती हूँ, तब फंगी फॉर्म पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फंगी फॉर्म पैपिले दे हैव टेस्ट बर्ड्स। कितने होते हैं ये भी हमें जानना चाहिए। तो हर फंगी फॉर्म पैपिले जो एक पिट लाइक स्ट्रक्चर है, इस हर फंगी फॉर्म पैपिले के अंदर आपके 14 से 16 के आसपास में टेस्ट बर्ड्स हर एक में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फंगी फॉर्म पैपिले कंटेन्स 14 टू 16 टेस्ट बर्ड्स इन ईच। ये जो डेटा है 14 टू 16, ये अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मिल सकता है। कुछ ऑथर्स सिर्फ ये बताते हैं कि 3 से 5 ही टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, पर कुछ ऑथर ये बताते हैं कि 14 से 16 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फंगी फॉर्म पैपिले के अंदर। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो पैपिले है आपका, वो है आपका सरकम वैलिड पैपिले। ये सरकम वैलिड पैपिले का डिटेल मैं इसके ही साथ में लिख देती हूँ कि सरकम वैलिड पैपिला जो है, इसके अंदर भले ही ये बहुत कम है नंबर में, लेकिन क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स शामिल हो सकते हैं। तो हर सरकम वैलिड पैपिले के अंदर 100 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। 100 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं सरकम वैलिड पैपिला के अंदर। ठीक है, फोलिएट पैपिला की हम बात नहीं करेंगे टेस्ट के रेफरेंस में, क्योंकि मैंने बता रखा है कि एडल्टहुड में वो डिजनरेट हो जाते हैं, मतलब एडल्टहुड में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो अर्ली लाइफ में ही डिजनरेट हो जाते हैं, इसलिए उसका टेस्ट से क्या ताल्लुक है आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में टंग का जब हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो हम टंग का फंक्शन भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर टंग, ये हम नेक्स्ट अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टेस्ट की। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो है हमारा डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टंग में, वो है टेस्ट। तो टेस्ट जो फंक्शन है वो टंग के मेनली पैपिलेज जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पैपिलेज में ऐसा क्या है कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो? तो देखो, टंग जो है हमारी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मैंने बताया ये आप लोगों को, उसके ऊपर न्यूरो एपिथीलियम, सेंसरी एपिथीलियम प्रेजेंट रहती है, और वो सेंसरी एपिथीलियम के अंदर टेस्ट बर्ड जो रहते हैं, वो टेस्ट बर्ड जो हैं हमारे, उनमें न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स की इनर्वेशन रहती है, डेंड्राइट वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ये डेंड्राइट्स जो हैं
उसके बाद में साइटॉन, फिर एग्जॉन पोर्शन जो होगा वो एग्जॉन पोर्शन किसी नर्व के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा और फिर वो हमारे ब्रेन तक पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये टेस्ट सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन हमें बताएगा कि टेस्ट किस चीज़ का है, ये मीठा टेस्ट था, ये नमकीन टेस्ट था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो टेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं अपन पहले ये देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो पहला टाइप जो है टेस्ट का, वो टेस्ट का टाइप है आपका स्वीट टेस्ट। स्वीट मतलब मीठा टेस्ट जो है वो हमारे टंग के कौन से पोर्शन पे फील होता है, हमें ये समझना है, ठीक है। तो टंग का जो पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि टंग का जो पोर्शन है हम उसको अगर सपोज यहाँ पर बना के देख रहे हैं, ये टंग है फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको इन्वर्टेड वी शेप का सल्कस बनाया था वैसा है, तो ये आपकी हो जाएगी टिप ऑफ टंग। मैंने वो पहले वाला डायग्राम मिटा दिया है ताकि आपके लिए समझना आसान रहे कि टिप किसको बोल रही हूँ, साइड्स किसको बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें। तो टिप ऑफ टंग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, साइड्स ऑफ टंग जो है वो ये है, साइड्स मेनली ये वाला साइड है, ये पूरा साइड ऑफ टंग है। लेकिन कोई चीज़ अगर ओवरलैप कर रही हो, टिप पे भी फील हो रही हो, साइड पे भी, तो मैंने ऐसा बना दिया उसको कि टिप और साइड दोनों पर फील हो रहा है, ठीक है। सिर्फ साइड बनाती तो मैंने ऐसा बना दिया कि सिर्फ साइड पर फील हो रहा है, पीछे फील हो रहा है, बेस पे मतलब कि यहाँ पर फील हो रहा है। ऐसे हमारे टंग के अंदर बहुत सारे पोर्शंस हो गए, ठीक है। तो जो स्वीट टेस्ट है आपका, वो स्वीट टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ टंग पे ही फील होता है, मतलब कि आगे आगे के पोर्शन पे ही टंग पे आपको मीठा टेस्ट फील हो सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टेस्ट मैं बता रही हूँ वो टेस्ट है हमारा सॉल्ट टेस्ट, नमकीन जो स्वाद है उसकी बात हो रही है। जो सॉल्ट टेस्ट है वो आपके टिप ऑफ टंग पे तो फील होता ही है, लेकिन साइड्स में भी फील होता है, उसका मेजर एरिया साइड होता है और टिप पे थोड़ा बहुत फील हो सकता है, इसी कारण से ओवरलैपिंग हो जाएगा, टिप भी थोड़ा सा कवर हो रहा है और साइड भी थोड़ा सा कवर हो रहा है, यहाँ पर हमारा सॉल्ट टेस्ट फील होता है। तो सॉल्ट टेस्ट के लिए जब भी आपसे पूछा कहाँ पर फील हो सकता है, टिप एंड साइड्स ऑफ टंग पे हमारा सॉल्ट टेस्ट या नमकीन टेस्ट फील हो सकता है। तीसरा जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं सार टेस्ट, सार मतलब कि कुछ खट्टा स्वाद जो है उसको हम सार टेस्ट बोलते हैं। सार टेस्ट जो होता है वो हमें फील होता है केवल साइड्स ऑफ टंग पे, वो टिप पे फील नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ फेल्ट एट द साइड्स ऑफ टंग। और चौथा जो टेस्ट है हमारा वो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कि कड़वा जो टेस्ट है, ये बिटर टेस्ट जो है इट कैन बी फेल्ट एट द बेस ऑफ टंग, पीछे पीछे जो मैंने बनाया है ये वाला एरिया, यहाँ पर हमें बिटर टेस्ट फील होता है। तो इट इज़ फेल्ट एट द बेस ऑफ टंग, पोस्टीरियर साइड ऑफ बेस ऑफ टंग पे आपको फील होता है। तो ये जो चार टेस्ट हैं ये आपके जनरल टेस्ट हैं, स्वीट, सॉल्ट, सार और बिटर। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट की मैं बात करूँगी, वो जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं उमामी टेस्ट, उमामी टेस्ट। ये टेस्ट के बारे में बहुत ही कम बच्चों ने सुना होगा। तो उमामी टेस्ट जो होता है, जो हमारा डिलीशियस कोई हम अगर फूड खाते हैं जो हमें बहुत ही टेस्टी लग गया, जो कि आपको खाने के बाद में उसको और खाने की क्रैविंग आती है, ठीक है, वो जो टेस्ट रहता है फूड का उसको हम बोलते हैं डिलीशियस फूड या सेवरी टेस्ट। तो सेवरी टेस्ट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा जो टेस्ट का टाइप हो जाएगा वो उमामी, और बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन टेस्ट बर्ड्स में ऐसी क्या खासियत है कि वो उमामी टेस्ट दे रहे हैं? तो वो टेस्ट बर्ड्स एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम अजीनोमोटो भी बोलते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट और अजीनोमोटो, ये एक ऐसा केमिकल है जो केमिकल उमामी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये केमिकल कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बर्ड्स में फिट हो जाता है और न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, तो वो हमें टेस्ट फील होता है, उस टेस्ट को हम उमामी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उमामी टेस्ट कौन सा टेस्ट हो गया है? उमामी टेस्ट इज एक्चुअली अ डिलीशियस और सेवरी टेस्ट, बहुत ही डिलीशियस या सेवरी टेस्ट जो है उसको हम उमामी टेस्ट बोलते हैं। तो एक तो ये फंक्शन हो गया हमारा टंग का, कि हमारी टंग जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन है। अच्छा, टेस्ट सेंसेशन के लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल होगा बार बार, उसको हम बोलते हैं गस्टेशन, गस्टेटरी, ठीक है। तो जब भी आपको टेस्ट की बात करते हैं
तो यहाँ पर एक टर्म मैं लिख देती हूँ, गस्टेटरी सेंस या गस्टेशन सेंस। हमारे टेस्ट बर्ड्स को इसीलिए हम टेस्ट बर्ड्स की जगह गस्टेटरी बर्ड्स भी बोल सकते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, टेस्ट के अलावा टंग का और क्या फंक्शन हो सकता है? तो टंग हेल्प्स इन, सेकेंड पॉइंट इज टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, ठीक है। और ये मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा जो है वो टंग अकेले नहीं कर रही है, वो टीथ चबाने के बाद में टंग हेल्प कर रही है उसमें। तो दोनों चीज़ें साथ में मिलके काम कर रही हैं, टीथ भी और टंग भी और सलाइवा भी मिला के बोलस बनाने में हेल्प कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन हो रहा है फूड का, मिक्सिंग ऑफ फूड हो रही है। ये बक्कल कैविटी में अचीव होती है टंग की मदद से, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है आपके टंग का, वो फंक्शन है कि हमारी जो टंग होती है ये हाईली मस्कुलर ऑर्गन है, मैंने बताया। तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन रहेगा ये आपके स्पीच में भी हेल्प करेगा, आप बोल पाते हो तभी जब आपकी टंग का मूवमेंट चल रहा है। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन स्पीच और स्पीकिंग, एंड दैट इज़ वाई हम टंग के लिए लिंगुआ टर्म भी यूज़ करते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि टंग जो है हम उसको लिंगुआ भी बोलते हैं, लैंग्वेज जो होता है वो टंग के साथ में एसोसिएटेड शब्द है, ठीक है। चौथा एक और फंक्शन हम टंग का देख लेते हैं, दैट टंग एक्ट्स लाइक अ नेचुरल ब्रश फॉर टीथ। जिस समय हम हमारे टूथ को ब्रश से साफ नहीं कर पा रहे होते हैं, उस समय हम अपने टंग का इस्तेमाल करते हुए आपके दांतों के अंदर फंसा हुआ कचरा हटाते हैं। तो टंग जो है आपके टूथ के लिए एक नेचुरल ब्रश का काम कर रहा होता है, और इसी कारण से टंग की सरफेस थोड़ी सी रफ होती है, क्योंकि रफ सरफेस से ही टूथ ठीक से साफ हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम टंग तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ क्या होते हैं, और बक्कल कैविटी हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फेरिंग्स चालू करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मुझे बताते रहिए कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है, किस टॉपिक पे देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।